सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पास आई बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको बता दें, मोचा तूफान आज से एक्टिव हो सकता है। ओडिशा बंगाल समेत 3 राज्यों में अलर्ट। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बन सकता है। ये चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में तूफान में बदल सकता है। इसका नाम मोचा है और इसके एक या दो दिनों में और खतरनाक होने की संभावना बनी हुई है। चक्रवात की वजह से न सिर्फ देश के पूर्वी हिस्से में बारिश होगी, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। मछुआरों को अगले 4 दिन तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। मोचा कल बंगाल व उड़ीसा में असर दिखाएगा। 9 और 10 मई को इसकी तीव्रता बढ़ने का अनुमान है। मोचा तूफान से इन राज्यों में अलर्ट। उड़ीसा मौसम विभाग ने उड़ीसा के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बंगाल की खाड़ी में सभी संभावित चक्रवाती तूफान आने की संभावना मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद हाई लेवल रिव्यू की। पटनायक ने मोचा का सामना करने की स्थिति में सभी विभागों को तैयार रहने को कहा। पश्चिम बंगाल के सभी चक्रवात संभावित जिलों को अलर्ट पर रखा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य किसी भी संभावित आपदा स्थिति के लिए तैयार हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की स्थिति में मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 9 से 11 मई 2023 तक समुद्र में ना जाएं। जो लोग गहरे समुद्र में हैं, उन्हें आज से तट पर लौटने की सलाह दे दी गई है। आंध्र प्रदेश चक्रवात मोचा के कारण आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 2 से 3 दिनों में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका है। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।